नमस्कार, मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया। अभी हम बात करेंगे पंजाब के मंत्रिमंडल के बारे में। जैसा कि भगवंत मान ने पंजाब की कमान संभाल ली है और शपथ ग्रहण कर ली है, ऐसे में भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी संशय बना हुआ है मंत्रिमंडल के ऊपर। भगवंत मान की टीम में कौन कौन होंगे, यानी पंजाब के 2022 के मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, इसी के बारे में आज आपको बताएंगे और खुलासा करेंगे उन नामों का, उन MLAs का जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। केजरीवाल और भगवंत मान किन की किस्मत खोलेंगे, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हर एक छोटी से बड़ी चुनाव की कवरेज और पंजाब से या फिर उत्तर प्रदेश से या फिर किसी भी राज्य से कोई भी बड़ी खबर आती है तो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके तमाम जो MLA हैं उनके नाम बताएंगे कि किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले नाम आता है हरपाल सिंह चीमा का। आपको बता दें, मंत्रिमंडल में सबसे अहम चेहरा हरपाल सिंह चीमा का है। चीमा ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। वे चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर और होर्डिंग्स में पार्टी का चेहरा होने के कारण पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। मान के मुख्यमंत्री चेहरा बनने से पहले पंजाब में पार्टी के पोस्टरों पर तीन चेहरे हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा। ऐसे में आपको बता दें, हरपाल सिंह चीमा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। आइए बढ़ते हैं अगले नाम की ओर और आपको बताते हैं कि अगला नाम कौन है। कुलतार सिंह संधवा। कुलतार सिंह संधवा भी एक बड़ा चेहरा है जिन्हें मंत्रिमंडल में तय है कि शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कोटकपुरा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। कुलतार सिंह पंजाब में आपका बड़ा चेहरा है और माना जा रहा है कि उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। अगला नाम है अमन अरोड़ा का। आपको बता दें, अमन अरोड़ा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और उन्हें भगवंत मान का बेहद करीबी माना जाता है। गुरमीत हेर का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल है। आपको बता दें, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष गुरमीत बरनाला से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगला नाम किसका है। अगला नाम है जीवन ज्योत कौर का। भगवंत मान सरकार में महिलाओं का एक मजबूत प्रतिनिधित्व है। सूत्रों ने कहा है कि मंत्रिमंडल के संभावित नामों में बलजिंदर कौर और जीवन ज्योत कौर शामिल है। और आपको बता देते हैं, विधानसभा स्पीकर बलजिंदर कौर को बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा जीवन ज्योत कौर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम नेता विक्रम सिंह मजीठिया को हराया। तो यहीं से आप ये जान सकते हैं कि जीवन ज्योत कौर कितनी दिग्गज नेता है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया है। केजरीवाल इसका तोहफा दे सकते हैं और उन्हें मंत्री बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम बात कर लेते हैं। कुंवर विजय प्रताप का नाम आता है। अमृतसर उत्तर सीट से अकाली उम्मीदवार अनिल जोशी को हराकर पहली बार विधायक बने हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, और इन्हें भी भगवंत मान कैबिनेट में अहम पद दे सकते हैं। पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं और उनके पास बड़ा एक अनुभव भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं अनुभव का फायदा सरकार लेना चाहेगी और केजरीवाल और भगवंत मान उन्हें मंत्री पद दे सकते हैं। ये कुछ 7-8 नाम थे फिलहाल जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। और जैसा कि आम आदमी पार्टी जो कि किसी भी आम आदमी पार्टी को चुन सकती है, तो ऐसे में यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि जिनके नाम सुर्खियों में नहीं हैं, उन MLA की किस्मत भी खुल सकती है और पंजाब सरकार में वे भी मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी है तो ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, और जैसे ही
मंत्रिमंडल के चेहरे हमारे सामने आते हैं वैसे ही आपको एजुकेशन इंडिया सबसे पहले बताएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।